मैं आप सबको 73वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज एक जो अवसर है कि राखी का त्यौहार भी है, तो राखी और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज एक अलग विषय पर, विषय को समझने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारे बीच श्री महेंद्र जी बड़जातिया पुणे से आए हैं। उनका अगर मैं परिचय देने जाऊं तो बहुत लंबा परिचय है, बहुत उपलब्धियां उन्होंने करी है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। महेंद्र जी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हैं और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में उन्होंने मास्टर्स किया है। भारत में बिल्डिंग बायलॉज और ह्यूमन एनर्जेटिक विषय के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स हैं। और उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में जब सेंचुरी फैला दी, जब उन्होंने पैरानॉर्मल पर हाथ आजमाया, वो उससे संबंधित टीवी शोज पर देखे गए हैं और एक क्रांतिकारी नए क्षेत्र एनर्जी मेडिसिन का परचम लहरा चुके थे। इंदौर में जन्मे हैं लेकिन आप पुणे में रहते हैं और कई विषयों को समझने का प्रयास करते रहे हैं। मैं पहले आर्किटेक्ट थे और अपनी शिक्षा और पेशा दोनों को एकत्रित करके आर्किटेक्चर को एक नया साइंटिफिक और बायोलॉजिक और एक्सोथेरिक आस्पेक्ट के साथ एक स्ट्रक्चर बनाकर महेंद्र जी बिल्कुल अलग प्रोफाइल तैयार किया गया, जिसके माध्यम से आर्किटेक्चर को परिपूर्ण परिभाषा दी जा सके। वो एक अध्यापक, संशोधक, स्पेस हीलर और उससे भी ऊपर उनके खुद के शब्दों में वो एक साधक है। 20 सालों से महेंद्र जी विश्व भर में पेपर प्रेजेंटेशन और लेक्चर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ओर से गुड कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महेंद्र जी अभी नानून नाम के एडवांस एनर्जेटिक आर्किटेक्चर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। यह सिस्टम डिजाइन और ह्यूमन स्पेस में एनर्जेटिक हार्मनी के लिए रेमिडेशनल गाइडेंस उपलब्ध लाएगा। मैंने आपको जितना बताया शायद कई चीजें समझ में नहीं आई होगी, मुझे भी नहीं समझ में आई, पर इनके बारे में जो परिचय मुझे प्राप्त हुआ था मैंने वही आपको उसमें से सूक्ष्म रूप से पढ़ के सुनाया है। और मैं यही चाहता हूँ कि वो खुद ही इन सब बातों के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं हमारे समाज के अध्यक्ष श्री बंसीधर जैन से निवेदन करूंगा, वे हमारे आज के जो स्पीकर हैं श्री महेंद्र जी बड़जातिया को लेके आए और उनका माल्यार्पण कर स्वागत। आज राखी का दिन है और महेंद्र जी राखी बनवाने के जब आए हैं, हमारे लिए भी शुभ अवसर है कि उनकी बहन नेहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं हमारी समाज की महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती पार्षद देवी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे उनका माल्यार्पण कर स्वागत। महामंत्र नवकार और मंगलमयी प्रतापर सो दोनों ही संपूर्ण जैन समाज को एक सूत्र में बांधने का सर्वोत्तम साधन है। यही कारण है कि हमारे आचार्य और गुरुवर भी भक्तांबर की महिमा का महत्व जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा देते रहे हैं। और स्वयं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी भी श्री भक्तांबर सो के नवीन व्याख्या कर के धर्म प्रभावना कर रहे हैं। बंधुओं, क्योंकि आज विज्ञान का युग है और नई पीढ़ी हर वस्तु को विज्ञान की कसौटी पर परख कर के विश्व का संधान कर पाती है, इसलिए आज आवश्यकता है ऐसे विद्वानों और शोधकर्ताओं की जो एक मंगलकारी शोध को भी वैज्ञानिक व्याख्या कर सके। और एक शोधकर्ता विद्वान श्री महेंद्र जी बड़जातिया सौभाग्य से आज हमारे मुल्तान दिगंबर जैन समाज के प्रांगण में पधारे हैं। मैं इससे पहले उनको यहाँ पे आमंत्रित करूँ, मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने उनके बारे में क्या कहा है, एक छोटी सी फिल्म यहाँ पे दिखाई जाएगी, उसके बाद मैं भी अपना प्रेजेंटेशन दूंगा। अच्छी लगी होगी, पिछले 4 वर्षों से लगातार हमारे संपर्क में है
और वाकई उन्होंने बड़ी मेहनत की। पैसे से एक आर्किटेक्ट होने के बाद इनने बायोजोमेट्रिकल वास्तु साइंस पर काम किया और उधर काम करते करते इतनी कंसल्टेंसी है, लोगों को पढ़ाते हैं, इनका अपना इंस्टीट्यूट है, इनके पेपर पब्लिश होते हैं। जब इन्होंने मुझे ला करके कई चीज़ें दिखाई तो हमने कहा तो ये काम हकामत पर करो तो समाज को एक नई चीज़ मिलेगी। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने कई बातें मुझे ला करके बताई और आज उसे इस पुस्तक के रूप में उन्होंने साकार किया है। ये भक्तामर को एक नई पहचान है। हमारे भक्तामर पर अतीत काल में अनेक प्रयोग हुए। हम लोगों के साथ एक दुर्बलता है कि हम अपने धार्मिक की जितने भी स्त्रोत हैं, मंत्र हैं, उन्हें केवल एक धार्मिक दृष्टि से अपनाते हैं। भक्तामर के आराधक विश्व में बहुत हैं, सारे जैन ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में भक्तामर का आलम्बन लेते हैं। लेकिन भक्तामर में छिपे विज्ञान को उद्घाटित करना ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। मैं भाई ने जो काम किया है मैं समझता हूँ ये आने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर बनेगा, बहुत अच्छा काम किया। जर्मनी में भक्तामर के माध्यम से चिकित्सा के कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं। इन्होंने भी एनर्जी के साथ जुड़ा है और एनर्जी ट्री के साथ इतने जो हिब्रू के सिस्टम के साथ इसे जुड़ा है। मैंने जब भक्तामर के ऊपर काफ़ी विश्लेषण किया देखा मेरे हाथ में कई ऐसी प्राचीन पांडुलिपियाँ मिली, उनमें भक्तामर के जो मंत्र और यंत्र आदि का वर्णन है उसके साथ जो करने की विद्या वो अपने आप में बहुत कुछ अलग है। और मुझे लगता है जो आपने एनर्जी प्लेट्स जो खासकर जर्मनी के लोगों से मिलकर के तैयार की ये यहीं से गई हुई चीज़ है जिसका हमें पता नहीं था। हमारे भक्तामर के 48 मंत्र छंदों के साथ 48 यंत्र हैं और उन यंत्रों को कई तरीके से लोगों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको ज्योमेट्रिकल शेप दिया है इसने इसकी वैज्ञानिकता को और अधिक प्रस्थापित कर दिया है और हम इस विज्ञान को जन जन तक पहुँचाएँ ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं के लिए मेरा आशीर्वाद है कि इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। अब समाज को चाहिए इस चीज़ को गहराई से समझे। अभी बहुत इजीली लोगों को समझ में नहीं आएगा, ज़्यादातर जब इस तरह की बातें होती हैं तो हमें ये बीमारी हमसे ठीक हो जाएगी, ये बीमारी हमसे ठीक हो जाएगी, जैसा इन्होंने कहा ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अंग है या ये हमारे जीवन पद्धति है। भक्तामर को अपने जीवन का अंग बना लो, अपना प्राण बना लो, अपने शाखों में बिठा लो तो भक्तामर का पहला ही शब्द बता देता है जो भक्त होता है वो अमर रह जाता है, भक्तामर साथ है। हमें वो दृष्टि रखनी चाहिए, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक आध्यात्मिक दिशा, आध्यात्मिक संदर्भ में हम समझेंगे तो बहुत अच्छा है। विगत दिनों से आप लोग भक्तामर की आध्यात्मिक विवेचना तो सुन ही रहे हैं, मैं अगर पहले आ जाते तो ये पक्ष भी इसके साथ जुड़ जाता, लेकिन इनकी जानकारी जन जन तक पहुँचनी चाहिए। इंटरनेट पर मैं के वेबसाइट पर सब चीज़ें उपलब्ध हैं, आप इनसे संपर्क करें और जगह जगह ये जाकर अपने सेमिनार्स भी करते हैं, वर्कशॉप भी चलाते हैं, आप उसको आयोजित करा कर इससे जनता का भी कल्याण कर सकते हैं, अपना भी कल्याण कर सकते हैं और जैन धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं। हाँ बताया जाए, आपने सुना नहीं, 48 के लिए इन्होंने बताया कि हमारे शरीर की जो 3 सर्किल है, ऊपर का, बीच का, नीचे का, इन तीनों में 16-16 पॉइंट होते तो 16 × 3 = 48 हो गया। इन्होंने अपने तरीके से बोला, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने अपने पहले दिन के 48 के प्रवचन में क्या बोला था, अभी 48 को अनंत से जोड़ा है। मैं बोल रहा था तो एक अनंत मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने पहले कहा था 48 क्यों है, क्योंकि 4 अनंत चतुष्टय और 8 सिद्धों के 8 गुण के प्रतीक है 48। ये 48 का पहला कारण अनंत, और 48 का दूसरा कारण ये है कि 4 आराधना जो करता है वो सिद्धों के 8 गुण को प्राप्त करता है, ये 48 का कारण। आपने अभी पूछा बोलते बोलते कहे
तो मेरे मन में एक बात आई, ये चार है और चार और एक तरफ आठ है, चार को चार से आठ को भाग देने पर दो आता है और दो ही सारा संसार है, जन्म और चेतन, इसका पूरा विज्ञान ही संसार है। जो अलग है हम समझने की कोशिश करें, चित और अचित को अगर हम पहचान लेते हैं तो ये अनंत है, इसकी क्षमताएं अनंत है, इसकी संभावनाएं अनंत है, इसमें हम जिस एंगल से सोचे वैसे परिणाम आ सकते हैं, आवश्यकता है हम इसे ठीक तरीके से समझें, उसे आत्मसात करें। मैं भाई के इस कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद, और एक कार्य और सौंपा, एक प्रयोग करो अलग अलग कैंप लगा करके, इससे जो लोगों के हीलिंग के कार्यक्रम उनका एक तथ्यात्मक दस्तावेज इस मंच से लोगों के बीच प्रस्तुत हो, और मैं चाहूंगा उस ट्रीटमेंट में ईईजी और एमईजी के माध्यम से उनकी जांच रिपोर्ट करके इसे भावना योग का भी एक पार्ट बनाया जा सकता है, और लोगों को हम एक ऐसी हीलिंग की व्यवस्था दे सकते हैं जो पूरे विश्व में जैन धर्म का टंका बजाने वाला होगा और लोगों को लाभ होगा, और तब आप गौरवान्वित होंगे कि हमारे पास वह निधि है जो पूरे विश्व को चौंका देगा, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। आचार्य मानतुंग ने अपने 48 ताले नहीं खोले, आचार्य मानतुंग ने हमारे जीवन की सारी गुत्थियों को खोलने का सूत्र हमारे लिए दे दिया है, हम सबकी गुत्थियां उसके माध्यम से खुल सकती है, यदि ये भावना और धारणा लेकर के हम चलेंगे तो बेशक उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जयपुर मुल्तान जैन समाज, बंशीधर जी, नरेश जी और यहाँ सब बैठे महानुभाव, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ कुछ शब्द बोलने के लिए बुलाया। जैसे मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक साधक हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस प्रोसेस में कुछ तरह से योग बनते गए। मेरी यहाँ पे बहन है नेहा, एक पायल भी है, तो थोड़ा लेट आई, अभी आ गई है, वो पीछे बैठी है, मेरी दो बहनें हैं इधर, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर, क्योंकि समय नहीं मिलता है तो कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सब रिलेशनशिप और लोगों से मिल लेना चाहिए, तो मैं जयपुर आता हूँ हर साल, और उसी योग के बीच ये कार्यक्रम आज प्लान हो गया है। भक्तांबर अनंत ऊर्जा, इसकी रिसर्च मैं एक्चुअल में 6 साल से कर रहा हूँ। इसकी रिसर्च मैंने भक्तांबर, क्योंकि मैं जैन हूँ इसलिए शुरू नहीं की, मैंने सीक्रेट ज्योमेट्री जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है, जो मैंने जर्मनी और फ्रांस में जिसकी पढ़ाई करी है, उसके प्रोसेस में मैं सीक्रेट ज्योमेट्री और सिंबलिज्म पे काम कर रहा था, और चूंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो टेम्पल आर्किटेक्चर और भवन निर्माण और मंदिर निर्माण के कामों में मैं साथ था, मेरा रिसर्च हो रहा था ऑलरेडी, और उसी बीच जब मैंने नोटिस किया कि हमारे जैन शास्त्रों के और हमारे जैन सिंबलिज्म में इतना पावर है और इतने अनेक शेप्स और प्रोफाइल्स हैं, इस प्रोसेस के बीच कुछ इस तरह से योग बना कि मैं भक्तांबर सूत्र की तरफ आकर्षित हो गया। ये भी एक संयोग है, मैंने मेरी किताब में लिखा है कि कैसे हुआ ये, आप पढ़िएगा। लेकिन जब भक्तांबर सूत्र की बात आती है तो अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो हजारों वेबसाइट में हजारों लोग उसकी हीलिंग कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, लोगों के टेस्टिमनीज हैं कि हमारा कैंसर दूर हो गया, हमारा ये दूर हो गया, तो मैं उस विद्या की चिकित्सक एप्लीकेशन की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन चूंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैंने सोचा कि इसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, इसमें विज्ञान क्या है वो सोचना चाहिए। भक्तांबर सूत्र हमें अच्छा क्यों लगता है, भक्तांबर सूत्र पढ़ के हमारी बीमारियाँ दूर क्यों हो जाती हैं, इसमें क्या है, ये मैजिक है क्या, ये कोई जादू तो नहीं है। अच्छा जादू है तो फिर जादूगर कहकर जादूगर मानतुंग में चाह रहे हो सकते थे, आचार्य श्री या हमारे भगवान या ऋषभ देव, बट उनकी एनर्जी, उनका प्रोसेस हजारों साल पुराना है, उस हजार साल में क्या ये एनर्जी और ये जो ऊर्जा जिसको मैं बोलता हूँ, ये क्या भक्तांबर सूत्र में ही है, शब्दों में ही है कि वाइब्रेशन में है, या फिर जो इंसान वो सूत्र की परिभाषा लोगों को समझा रहा है, ये जो डीलर है, जो जो चिकित्सक है भक्तांबर का, उसमें पावर है। ये सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते रहे,
और इस प्रोसेस को जानने के लिए फिर मैंने जर्मनी और फ्रांस में मेरे टीचर्स के साथ रिसर्च किया। वहाँ पे लैब तरह तरह की लेबोरेटरी में अपने इंस्ट्रूमेंट से, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा बाद में, इंस्ट्रूमेंट से एनर्जी मेजरमेंट चालू किया। जैसे महाराज साहब ने कहा कि इसका शोध साइंटिफिक होना चाहिए, उस साइंटिफिक शोध में मैं जुड़ा रहा। प्रमाण ठाकर जी महाराज के मार्गदर्शन में बीच बीच में जहाँ मैं जैनिज्म के सिस्टम में अटक जाता था कि जैन एक्चुअली जैनिज्म और जैनिज्म का कोर क्या है, और वो किताबों में इंटरनेट पे सब अलग अलग तरीकों से मिला, तो मुझे लगा नहीं, मुझे किसी संत या किसी मुनीश जी से ही पता करना चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं मेरे साइंटिफिक क्वेश्चन लेके महाराज साहब के पास जाता था, और जैसे आप लोग जानते हैं प्रभात ठाकर जी विज्ञान और जैनिज्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और उनका नॉलेज मेरे ख्याल से अद्भुत है। उनसे मुझे हर स्टेज में ये मिलता गया। मैं सुधा सागर जी महाराज साहब के पास भी गया है अजमेर में, और वहाँ से भी कुछ इंटरप्रिटेशन लिए। उसके बाद पूना में एक शुद्ध भवन है, वहाँ पे भी कुछ हमारे श्वेतांबर समाज के मुनिश्री और आचार्य हैं साहिब जी, उनसे भी मैंने कुछ मार्गदर्शन लिया। तरह तरह की इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद एक कंक्लूजन निकला, और उस कंक्लूजन को एक मैंने किताब में आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो ये एक बेसिक सार है। हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने इसमें साइंस को इंक्लूड किया है, उसके कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा। इस स्लाइड्स को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, क्योंकि ये पूरा रिसर्च इंग्लिश में हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी क्वेश्चन है और कुछ भी आप लेके आपके दिमाग में क्वेरीज हैं तो वो बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस स्लाइड्स के माध्यम से सबसे पहले हमारे नवकार मंत्र का ध्यान करेंगे हम लोग। आप अपने ऊपर अंदर ही कर लीजिए, और उसके प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रभात ठाकर जी महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, दिस वॉज द फर्स्ट। और ये किताब आपने अभी देखा वीडियो में, उसी समय का पिक्चर है। जैन धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये एक हमारे आज के लेक्चर का बेसिक टॉपिक मैंने सबको समझा, और ये सोचा कि आपको ये बताया जाए कि जैन धर्म एक विज्ञान है। जानने के लिए विश्वास नहीं है, बट ये एक विज्ञान है। हालांकि विश्वास करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। तो विश्वास, चेतना, कॉन्शियसनेस, इंट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, भावना, इस सब के साथ जुड़ा हुआ है। और जैन धर्म यही कहता है कि हमें अपने आप को जानना जरूरी है। तो भक्तांबर सूत्र का कोर भी यही है कि हम अपने आप को, जैसे महाराज साहब ने कहा, उसको अंदर लें, उसकी चिकित्सिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों की चिंता छोड़ के उसको एक लाइफ का पार्ट बनाएं। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने रिसर्च करी कि जैन धर्म की ये 5 इकाइयां हैं। अभी सब इकाइयों को देखेंगे। पुद्गल, द्रव, विच इज मैटर, जो हम छू सकते हैं, एवरीथिंग विच इज मटेरियलिस्टिक, आकाश, अंतरिक्ष, कॉस्मिक एनर्जी, जो हमें सन, मून, प्लैनेट और कॉस्मिक इंफॉर्मेशन मिलती है, धर्मस्थिका है, गति। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ, हजारों साल पहले हमारे जैनिज्म और जैन साइंटिस्ट और जैन आचार्य श्री और भगवान श्री को ये मालूम था कि रेडियो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे चलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का उनको नॉलेज था, और यही धर्मस्थिका है, गति, मूवमेंट। गति हैपन, द मूवमेंट हैपन बिकॉज ऑफ रेडिएशन, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। उस जमाने में उनको नॉलेज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भक्तांबर के बेसिक रिसर्च में मैंने धर्मस्थिका का जो इकाई है उसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट रखा है, शोध किया है। अधर्मस्थिका है विश्राम। व्हाट इज विश्राम? विश्राम का मतलब ग्रेविटी। हम सब विश्राम हैं। ग्रेविटी का भी उनको नॉलेज था उस जमाने में। आप सोचिए ग्रेविटी का साइंटिफिक रिलेवेंस कब आया, किसने किया, साइंटिस्ट ने कितने साल में, 18वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी, और ये कब का है? उस समय इनको नॉलेज था। आप सोचिए हमारा जैन साइंस इतना एडवांस था उस जमाने में, और हम उसको समझ नहीं पाए। काल, समय की बात, समय हम सबको मालूम है, समय के लिए मैं ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज टाइम एंड एवरी एलिमेंट, हमारे अंदर का जो प्रोसेस है वो सब एवरीथिंग इज टाइम बॉन्ड। तो इन 5 इकाइयों को अगर हम समझ लें तो हमें जैन धर्म का विज्ञान समझ में आ गया। उसमें भक्तांबर सूत्र, नमोकार मंत्र और तरह तरह के जो हमारे
प्रोसेस हैं जैनिज्म के, वो सब इन पांचों के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जब इन साइंस की मैं स्टडी कर रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये साइंस टाइम बाउंड जरूर है बट ये इनफाइनाइट है, अनंत है, आदि अनंत। अनंत शब्द इसलिए मैंने वहां से पकड़ा, और ये मैं बात कर रहा हूँ 6-7 साल पुरानी, जब इन्फिनिटी के बारे में मैंने रिसर्च शुरू किया तो पता पड़ा इन्फिनिटी का जो मूल डिस्कवरी थी, इन्वेंशन था, वो महावीर स्वामी के द्वारा हुआ, आदि अनंत, अनंत अनादि। और पूरा प्रोसेस और पूरा एल्गोरिथम है इन्फिनिटी का, अनंत का है, पूरी किताब है जैनिज्म की अनंत है। साचो में उस जमाने में ये साइंस था और आज हम लोगों को मालूम नहीं। एनी वे मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। काल, द्रव्य, क्षेत्र और भाव, ये नेक्स्ट लेवल है। 5 इकाइयों के बाद ये पूरा रिसर्च हमारा काल, द्रव्य, क्षेत्र और भाव। काल मतलब समय, द्रव्य मतलब भौतिक पदार्थ, क्षेत्र अंतरिक्ष, क्षेत्र मीन वास्तु, द स्पेस वेयर वी आर लिविंग इन। ये मंदिर भी एक क्षेत्र है, हमारा शरीर भी एक क्षेत्र है, एक किताब भी क्षेत्र है। और भाव, भाव सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे महाराज साहब ने कहा भावना योग, महाराज साहब ने एक अमेजिंग सिस्टम बनाया भावना योग। योग मेडिटेशन की बहुत ऊपर चीज है, भावनाओं के साथ। तो भाव सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इस पर ही भक्तांबर सूत्र की बेसिक फंडामेंटल रिसर्च का बेसिक कारण एक एलिमेंट है। अनंत की बात करें तो ऊर्जा आ जाती है कि एवरीथिंग विच इज मूविंग, जो इन्फिनिटी है वो एक एनर्जी है। और एनर्जी हम देख भी सकते हैं, वो इंटेंजिबल है। हम सब में एनर्जी है, एनवायरमेंट में एनर्जी है, वास्तु में एनर्जी है, जगह में एनर्जी है, जमीन के अंदर एनर्जी है, आकाश से एनर्जी मिल रही है, एक दूसरे से मिल के एनर्जी मिल रही है, एक दूसरे को देख के एनर्जी मिल रही है। तो ये एनर्जी अनंत है और इस अनंत का ऊर्जा के साथ क्या रिलेशन है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। इसमें ध्वनि, जल, वायु, जीव सब में ऊर्जा है। ऊर्जा में आप शायद आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि मैं वर्ड बाय वर्ड जाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, हमारे पास 90 स्लाइड्स हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ऊर्जा, एनर्जी, एवरीबडी नो व्हाट एनर्जी, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एवरीथिंग इज टाइम बाउंड एंड व्हाट एवर इज टाइम बाउंड इज एनर्जी बिकॉज इट इज मूविंग विद द एनर्जी। टाइम इज विदाउट एनर्जी एंड टाइम इज इनकम्प्लीट विदाउट एनर्जी एंड एनर्जी इज इनकम्प्लीट विदाउट टाइम। तो ये उसकी बात है। और मानव शरीर, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है शरीर। भक्तांबर सूत्र शरीर में कुछ ऊर्जाएं पैदा करता है, वो क्या ऊर्जा है? तो सूत्र हम सुनते हैं तो ऊर्जा डेवलप होती है या कि और कुछ उसमें और कुछ कारण है? भक्तांबर सूत्र ऊर्जा पे हमने काम किया है, भक्तांबर सूत्र पे काम मुनीष जी और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ऑलरेडी करा हुआ है। मैं उसके आगे बढ़ाऊँ और मैंने कोशिश की कि उसकी एनर्जेटिक इम्प्लीकेशन, उसका हमारे शरीर में एनर्जेटिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम समझें। और वही सूत्र का है, मानतुंगाचार्य, 48 बेड़ियां, ताले, ये सब आपको मालूम है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। और 48 शब्द में जो शक्ति है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट बात करूँगा। बट मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, परंतु क्या 48 सूत्र ही ये पावर फैला रहे हैं? क्या ये साउंड वाइब्रेशन जो मंत्र है उसी से हमें इनकी हमारी बॉडी की एनर्जेटिक बैलेंसिंग हो रही है? क्योंकि अगर चिकित्सा की बात करें तो एनर्जी मेडिसिन, मैंने 1 साल पेरिस में पढ़ाई करी, एनर्जी मेडिसिन का ये कंडीशन ये बोला जाता है कि जो भी हम दवाई खाते हैं वो दवाई तो एक केमिकल है, उसकी जो ऊर्जा एनर्जी है वही हमारे शरीर को, हमारे चक्रास को बैलेंस करती है। अल्टीमेटली बीमारी और डिजीज का मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर के चक्रा इम्बैलेंस ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो एक लाइन में होने चाहिए जिससे हमारा और कंडीशनिंग होता है। इसलिए हम जो मेडिटेटिव पोज में बैठते हैं और हाथ जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। मंदिर में आते हैं, घंटी बजाते हैं, साउंड वाइब्रेशन से चक्र बैलेंस हो रहा है। रंधोदक लगाते हैं, पानी से चक्र बैलेंस हो रहा है, जो वो द्रव्य है, क्षेत्र मंदिर है, और मंत्र बोलते हैं साउंड एनर्जी, उससे चक्र बैलेंस हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जितने भी हमारे वैदिक नॉर्म्स हैं पूजा पाठ के, वो सब साइंटिफिक है। वो अगर हम सिस्टमेटिक करें तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमारे चक्रा को बैलेंस करना अगर सीख गए तो उसको इम्बैलेंस होने नहीं देंगे। और जहाँ इम्बैलेंस होगा आपको बीमारी होगी, किसी को हार्ट होगा, किसी को लीवर, किसी को किडनी, किसी को कैंसर, किसी का सर दर्द होना, ये सब कब होता है जब हमारे चक्रा इम्बैलेंस होते हैं।
और ये चक्रा इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए भक्तावर स्तोत्र को चिकित्सा माना जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा कहना है कि भक्तावर स्तोत्र एक होलिस्टिक सिस्टम है। इसमें सिर्फ साउंड वाइब्रेशन नहीं है, इसमें दृश्य भी है, विजुअल भी है, ग्राफिक्स भी है, एक यंत्र भी है। तो मंत्र के साथ मुझे ऐसा लगता है, मैं इग्नोरेंस हूँ, मैं साधक हूँ, कि मैंने पहली बार भक्तावर स्तोत्र के 48 मंत्रों का यंत्र का स्टडी किया है और उस यंत्र में क्या पावर है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और वो यंत्र ही मेरे हिसाब से अगर भक्तावर स्तोत्र के साथ उस यंत्रों का कनेक्टिविटी आप शरीर में लें तो जो स्तोत्र है उसकी पावर, उसकी इंटेंसिटी 10 times बढ़ जाएगी, 10 गुना उसका इफेक्ट होगा। तो अभी भक्तावर स्तोत्र अद्वितीय है, अद्भुत है, लेकिन वो 1% है। जब आप विजुअली उसको कनेक्ट होंगे तो उसकी 10 गुना बढ़ेगा, तो कितना पावरफुल हो जाएगा। तो मंत्र यंत्र की स्टडी के बाद मैं तंत्र पे गया, मुझे उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट मंत्र होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। भक्तावर स्तोत्र सब लोग जानते हैं, उसकी ध्वनि साउंड से सुन के हमें अच्छा लगता है, बट हमें अच्छा क्यों लगता है, उसमें क्या पावर है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि मंत्र की साइंस क्या है। ये मंत्रोध्याय है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, और जैनिज्म में मंत्रों का उच्चारण और प्रोसेशन हमने वैदिक हिंदू साइंस से लिया हुआ है। तो मंत्रोध्याय की किताबें जितनी भी हैं और जैनिज्म की किताबें हैं, हिंदू साइंस और वैदिक साइंस, आर्यन सिविलाइजेशन की बात करूँगा, वो सब एक ही है। तो इसमें हमारा इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं है, लेकिन ये प्राकृतिक भाषा में हमारे आचार्य श्रीयों ने, मुनि ने, भगवान श्री ने, तीर्थंकरों ने इसमें अलग तरह की एनर्जी डाली है। मंत्र का अल्गोरिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। छंद, वसंत तेलिका छंद में भक्तावर स्तोत्र का गायन होता है, वो ताल हम ये यूज करते हैं, वसंत तेलिका छंद। अब ये वसंत तेलिका छंद उस जमाने में बहुत पावरफुल था, आज भी हम भक्तावर स्तोत्र उसी ताल में गा रहे हैं। क्या हमें इसमें दूसरे ताल डाल सकते हैं? इंडिया में हमारे पास गाने की पद्धति में जरा 183 प्रोसेस, उसमें से हमने फिर रिसर्च किया कि क्या वसंत तेलिका आज भी इस कंडीशनिंग में, इस एनवायरमेंट में, इस तरह के मानव शरीर में जहाँ पे चेतना और भाव और मोह और माया सब मिक्स हो गए, क्या इस कंडीशन में वसंत तेलिका छंद ही करना चाहिए कि क्या उसमें हम चेंज कर सकते हैं? उसके लिए भी हमने कुछ काम किया, मैं आपको बताऊँगा। इन छंदों की साइंटिफिक रिलेवेंस होती है फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग विच इज वाइब्रेटिंग, जिसमें कंपन है वो फ्रीक्वेंसी होती है। ह्यूमन टू ह्यूमन आप किसी का हार्ट टच करेंगे, फील करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस होता है। बचपन में अगर आपको ध्यान हो, हमने ट्यूनिंग बोर्ड की एक्सरसाइज पढ़ी थी स्कूलों में, फिजिक्स में, एक ट्यूनिंग बोर्ड बजाते थे, दूसरा अपने आप बजना शुरू होता था, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता था। ये फ्रीक्वेंसी है। भक्तावर स्तोत्र का आपके शरीर में असर तभी होगा जब वो रेजोनेट होगा आपके भावनाओं के साथ, आपके चक्रास के साथ। अगर भक्तावर स्तोत्र अगर नहीं होगा तो भक्तावर स्तोत्र यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। वो कैसे करेंगे उसके मैं हमारे में आपको बताऊंगा। इस तरह से हमने हमारी किताब में हर स्तोत्र का साइंटिफिक रिलेवेंस बताया है। 48 के 48 स्तोत्रों का छंद, अक्षर, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन सबके बारे में डिस्कशन है, जो हम आके आपको बताएंगे। राग एक शील्ड है, एक फिल्टर है कि भक्तावर स्तोत्र की शब्द ही अपने आप में पावरफुल है, ये एक क्वेश्चन है। तो हमने ये पता करने की कोशिश की कि भक्तावर स्तोत्र कोई भी राग में गाए उसका एप्लीकेशन, उसका इफेक्ट इतना ही है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है। तो सुबह का राग, शाम का राग, दोपहर का राग अलग होता है। अगर उस राग को भी हम इसके साथ ले लें तो हो सकता है कि टाइम सिस्टम से इसमें एक वैरायटी आ जाए, इसमें एक ट्विस्ट आ जाए, क्योंकि एक तरह से गाने की जगह अगर हम अलग अलग तरह से गाएंगे तो उसका बॉडी का एसिमिलेशन अलग तरीके से होगा, बिकॉज हमारी बॉडी डायनेमिक है। हमारी बॉडी कोई भी चीज़ एक पर एक जैसी हो उससे, जिसको हम बोलते हैं ना बोरिंग हो गया है इंग्लिश में, हिंदी में, वो हमारे शरीर को वैरायटी की आदत है कि आप एक जैसा खाना रोज नहीं खा सकते। इसी तरह भक्तावर स्तोत्र एक जैसा योग करेंगे तो उसका इफेक्ट शरीर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेंज होता है। तो मंत्रों की बात इस तरह से हुई, अलग अलग स्तोत्रों को अलग अलग ध्वनि में, अलग अलग छंदों में, अलग अलग राग में गाया जा सकता है, इफेक्ट को हम समझेंगे बाद में। नेक्स्ट
टॉपिक है यंत्र, ये सबसे बड़ा टॉपिक है और ये इंटरेस्टेड अभी तक भक्तांबर सूत्र में किसने उसके उस पर काम नहीं किया है। तो यंत्र पे अगर आप पढ़ते हैं तो यंत्र इज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट ज्योमेट्री, पवित्र ज्यामिति। और ये मेरा सब्जेक्ट था जर्मनी में मेरे पीएचडी और मास्टर्स का, और इसमें हमने चर्चेस तरह तरह के सीक्रेट ज्योमेट्री, सीक्रेट मतलब रिलीजियस बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड, और पवित्र मतलब प्योर, प्योरिटी। तो इसमें हमने क्रिश्चियन, इस्लामिक, वैदिक, तरह तरह के हिब्रू, उन सब चीज़ों को स्टडी किया था जर्मनी में, और उसके साथ मैंने इंक्लूड किया था हमारा जैनिज्म कट ऑफ। और इसीलिए यंत्र पे जब हम बात करते हैं तो ये आप देखिए इस फिगर में दिखेगा आपको तरह तरह के यंत्र हैं, श्री यंत्र है, हिब्रू है, फिलिप्स है, प्लेटोनिक सॉलिड्स है, ये सब यंत्र होते हैं। और ये यंत्र हर सिविलाइजेशन, हर कल्चर ने अपने प्रोसेसेस के हिसाब से बनाया था। अफ्रीकन लोग लकड़ी से जमीन में मार कर देते थे, वो यंत्र था एक दूसरे को बताने के। तो इस तरह के उसको हम लोग क्या कहते हैं सभी जो जमीन पे मार करते हैं, यस। तो एनीवे मेरे एक स्टूडेंट और संदीप जैन इधर है मकराना से, ये भी हमारे साथ दिख रहे हैं। तो मैं, मेरी आदत है जब मैं क्लासरूम में क्लास देता हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो सॉरी। यंत्र की ज्यामिति क्या है, यंत्र का सिस्टम क्या है, यंत्र एक्चुअली इसका, इसकी पद्धति क्या है और इसकी परंपरा क्या है, आप ये सब पढ़ पा रहे हैं सर। और ये कितना शक्ति का है, इसमें नवकार मंत्र सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। नवकार मंत्र सर इतना स्ट्रांग क्यों है, हम बोलते हैं कि दिस इज मोस्ट पावरफुल, हम सुबह उठ के नवकार मंत्र पढ़ते हैं, बट होता क्या है, वो तो साउंड वाइब्रेशन है। वो क्रिश्चियन या कोई बुद्ध या कोई कोई इस्लामिक कोई दूसरे समाज, दूसरे धर्म के लोग, उनके भी मंत्र है, गायत्री मंत्र है। क्या है उस मंत्र के साथ जो यंत्र की परिभाषा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और यंत्र विजुअल कनेक्टिविटी है, आंखों से दिखता है, यंत्र को आप सुन नहीं सकते। तो मंत्र हम सुनते हैं, यंत्र हम देखते हैं। जब हम पैदा हुए थे सबसे पहला, जब मदर के मुंह से बाहर निकले थे सबसे पहली चीज हमने समझने की कोशिश की हमारे सेंस ऑर्गेनिज्म की ध्वनि, क्योंकि हम पेट में भी सुन सकते थे, गर्भ संस्कार आपको मालूम है अंदर भी, लेकिन जैसे हम बाहर आते हैं आंखें खुलती हैं। तो आंखें खुलती हैं सबसे पहले क्या दिखता है, वो नरसिंह मोहन का पंखा, हमें मालूम नहीं क्या है, घूम रहा है, पर हम छोटे से बच्चे हैं। बट विजुअल, विजुअल कनेक्टिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले हम उसको पहचानने लगता है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, आवाज से और देख के। तो देखना इज एज इम्पॉर्टेंट है सुनना। और इस देखने में अक्षरों पे जब हम आए तो आप देखेंगे ये एक पर्टिकुलर बीच अक्षर की हमने रिप्रेजेंटेशन किया है और ये हमारे बीच अक्षर है। ये अक्षरों में ही पावर है, अक्षरों में एक ज्योमेट्री है। अक्षरों को हम सुन सकते हैं लेकिन अक्षरों को जब हम देखते हैं तो उसका पावर तो डबल होता है, क्योंकि अक्षर अ, अक्षर हम सुन सकते हैं अ, लेकिन एक अ अक्षर को हम 80 तरीके से लिख सकते हैं। एक अक्षर सोचिए हमारे शब्दों में कितने अक्षर आते हैं और उसकी कितनी वाइब्रेशन होती है। हर भक्तांबर सूत्र के अक्षर में साउंड वाइब्रेशन के साथ ज्योमेट्री भी छुपी हुई है और वो ज्योमेट्री ही सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसा मेरा सोचना है। अब बीच अक्षरों में उनके भाव, द्रव्य, काल और क्षेत्र का हमने पूरा एनालिसिस किया, जिसको हम बोलते हैं डिसेक्शन। मैंने हर शब्द का एनालिसिस किया कि वो शब्द सूत्र में क्यों आया, उस सूत्र में मानकुंगाचार्य ने वही शब्द क्यों इस्तेमाल किया, तो उसका पूरा एनालिसिस है। आप देखेंगे हर शब्द का हमने रिसर्च के साथ निकाला है और उसमें भाव, द्रव्य, काल और क्षेत्र की परिभाषा दी है। अशक्तर सर्कल होता है, आ परमात्मा होता है, ई चौरस स्क्वायर होता है, तो ई का जो सिंबलिज्म है वो स्क्वायर है। तो जब ई शब्द बोले और चौरस को ध्यान करें तो ई शब्द की एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरह से ये प्रोसेसिंग है, मैं आपको सिर्फ इंटरनल सिस्टम बता रहा हूँ। इसी शब्दावली में जब गए तो मैं हिब्रू की तरफ थोड़ा आकर्षित हुआ और हिब्रू अपने आप में एक बहुत बड़ी जू सिस्टम है, इसराइल का सिस्टम है और ये इतना ही स्ट्रांग है जितना हमारा जैनिज्म है। और क्योंकि मैं विदेश में रहता था और मेरे दोस्त बहुत सारे
में इस पर रिसर्च कर पाया, उन लोगों से इसकी भाषा समझ पाया, और कवाला जो उनका साइंस है उसमें भी स्टडी किया। और ताज्जुब की बात ये कि जब वो स्टडी शुरू हुई तो उसका रिलेटिव सिस्टम और उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे जैनिज्म से 100% मेल खाता है। हमारे इस एशियाटिक एशिया इस तरह की इस साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी बाकी साइंस ऐसा नहीं है जो हिब्रू के साथ मेल खाता है। ना जैनिज्म, ना बुद्धिज्म, ना हिंदुज्म, ना डिफरेंट वैदिक सिस्टम, सिर्फ जैनिज्म ही उसके साथ जुड़ता है। तो क्या उस समय जब जैनिज्म हमारे भारत था, हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव महावीर स्वामी जब यहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पे पैरेलली थ्रू कॉस्मिक कनेक्शन इन लोगों का मिलाप हुआ हो या साथ में काम किया हो उन्होंने, उसके बाद हम प्लेटोनिक सॉलिड्स पे गए। क्योंकि सॉलिड जब क्षेत्र की बात करते हैं तो वास्तु आ जाती है। क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरा भक्तांबर सूत्र को मैंने आर्किटेक्चर के साथ भी जोड़ने की कोशिश की है, वो मैं उसके लिए अलग से वर्कशॉप लेनी पड़ेगी तो इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। बट ये प्लूटोनिक सॉलिड, देर आर 5 प्लूटोनिक सॉलिड, हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और 5ों तत्वों का एक स्पेसिफिक शेप होता है, उस शेप पे हम गए। उस शेप के साथ जब आगे गए तो ये पता पड़ा कि हर शेप, हर चीज जो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सिमेट्री है उसको बोलते हैं क्लिप। ये हायरोग्लिफ इजिप्शियन साइंस है, इजिप्ट में इस पर लोगों ने काम किया, आपने देखा हुआ इजिप्ट में उस तरह तरह के हमारा स्वास्तिक में एक क्लिप है। तो ये क्लिप में की क्या परिभाषा, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, वो कौन से सिस्टम से चलता है, उसको अर्थ एलिमेंट पर रखें या दीवार पर लगाएं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ जो सिर्फ जमीन के साथ ही काम करते हैं, उसको वॉल पर हम नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे स्वस्तिक, स्वस्तिक हमेशा अर्थ एनर्जी के साथ ही काम करता है, लेकिन हम स्वस्तिक दीवार पर भी लगा लेते हैं। क्या वॉल का कोई और ग्लिफ है जैनिज्म में, वो हमने पता किया है। और इस पवित्र ज्योमेट्री को भी हमने 48 सूत्रों के साथ किस तरह से डिस्क्राइब किया, विचार में आपको दिखा रहा हूँ। हमारी किताब में हर सूत्र का एक डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है। और यही सेक्रेट ज्योमेट्री जो 2 डायमेंशनल होता है उसी को हम 3 डायमेंशन पर ले जाए तो मंदिर हो जाते हैं। अभी देखिए ये सब यंत्र हैं, ये यंत्र मंदिर बन गए जब उसमें हमने स्पेस दे दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो आर्किटेक्चर यंत्र से शुरू होता है और बिल्डिंग पर खत्म होता है। तो कोर आर्किटेक्चर का कोर ही यंत्र है 2 डायमेंशन, और हमें ये आर्किटेक्चर कॉलेज में सिखाया गया था। ये मुझे वहाँ जाके सीखना पड़ा जबकि मालूम पड़ा कि हमारे मंदिरों का बेसिक कोर मैं टेम्पल आर्किटेक्चर पूछें तो 2 डायमेंशनल करते हैं, फिर उसमें 3 डायमेंशनल हाइट रहते हैं। और वो कॉलम को ये हाइट, ये प्रपोर्शन, हमारे जैन मंदिरों की भी किताब रही है, संदीप मंदिरों में ही काम करते हैं मकराना। तो ये भी एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये हमारा पर्सनल मेरा खुद का रिसर्च है। हर सूत्र का हमने 3 डायमेंशन बनाना शुरू किया। क्या 48 सूत्रों को हम 48 मंदिर बना सकते हैं कि हम उस मंदिर में जाके सिर्फ बैठें और वो उस सूत्र का पावर हमको आ जाए। मंदिर मीन्स एक स्पेस को 10 फीट बाय 10 फीट का एक कमरा भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये शेप हो रही है। हम डायमेंशन ले लें कि हर सूत्र का डायमेंशन है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर का भक्तांबर सूत्र का ये 3 डायमेंशन छवि है। इस तरह से ये सब है। पूरे 48 में हमने रिसर्च किया है और हमारे स्टूडेंट इसी 3 डायमेंशन अभी मॉडल भी बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में कहीं हम इस तरह के छोटे छोटे मंदिर डिस्क्रिप्टिव बना पाए। मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मंत्र हमको मालूम है भक्तांबर सूत्र, तंत्र मैंने आपको समझाया विजुअल, सॉरी यंत्र। अब तंत्र क्या है? तंत्र अगर हम समझें तो मंत्र विदाउट यंत्र इनकम्प्लीट है, यंत्र विदाउट मंत्र इनकम्प्लीट, बट यंत्र और मंत्र तंत्र के बिना एक्टिवेट नहीं होते। इसको एक एक्टिवेशन लगता है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं हमारे शरीर में डाइजेशन होता है और फिर वो एनर्जी पैदा करता है, तब हमें प्रोसेसिंग हम हिल पाते हैं। तंत्र का मतलब मूवमेंट, इट्स अ टेक्निक, इट्स अ डायनेमिक। तो साउंड और विजुअल, मंत्र और यंत्र अगर दोनों मिल जाए और उसके साथ अगर तंत्र नहीं जुड़ा हो तो ये दोनों अधूरे हैं। एक दूसरे के साथ जरूर काम करेंगे बट इसका जो पावर है बढ़ाने के लिए हमें तंत्र का समझना पड़ेगा, और तंत्र हमारे शरीर के थ्रू आता है। मैं आपको समझाऊंगा।
और तंत्र को यह ऊर्जा बोलते हैं, पर यही आदर्श ऊर्जा है, ऊर्जा इस तंत्र। दैट मीन्स अभी मैं उसको डिस्क्राइब करूँ आपको तीन शब्दों में, मंत्र इज साउंड एनर्जी, यंत्र इज सेक्रेट ज्योमेट्री एंड तंत्र इज द ओवरऑल एनर्जी विच इज द ह्यूमन एनर्जी। तो हमारा शरीर एक तंत्र है, ये शब्दों को और विजुअल ग्राफिक्स को एसिमुलेट कर तो रहा है शरीर। आंखों से आप सुन रहे हो, कानों से अंदर ले रहे हो, लेकिन वो चीज़ें जाती किधर है? शरीर, और शरीर उसको प्रोसेस करता है, दैट इज तंत्र। तो शरीर इज द कोर ऑफ तंत्र। पत्तांबर तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ये अनंतता का एक बेसिक डेफिनेशन है और इसको मैंने कवाला ट्री ऑफ लाइफ के साथ इंटीग्रेट किया है। आप देखिए ऋषभ देव की पिक्चर में हमने ट्री ऑफ लाइफ को एम्बेड किया है, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है बट आपको किताब में दिखेगा। वो सेम प्रोसेसिंग है, एवरीथिंग इज साइंस। फिर इसके बाद हम टेट्राफाइट की बात करते हैं। अगर मैं साइंस पे जा रहा हूँ, इसकी प्रोसेसिंग मैं आपको समझाऊंगा, मेरे एनर्जी कार्ड दिखा के, इसलिए मैं थोड़ा आगे तेज चलता हूँ। कबाला प्रणाली, ये सब स्टडी है, रिसर्च है, ये सब सूत्र है। और टेट्रासाइट तो ये ट्री ऑफ लाइफ, ये ट्री ऑफ लाइफ का कोर है। जैसा हमारा नवकार मंत्र है वैसा वो ट्री ऑफ लाइफ कबाला और हिंदू का बेसिस है। और इसमें 10 पॉइंट है, ये 10 हमारे 48 के साथ मैच करते हैं। और ये 48 के कैसे आए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 48 टेट्रासाइट है। इसके बाद जिस तरह से महाराज साहब ने बताया था 16 16 16 तीन पार्ट में अपने डिवाइड किया है इसको, तो यंत्र मंत्र तंत्र की अगर बात आप समझे तो मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। तंत्र में हमने शरीर को उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, कॉस्टिक सर से लेके गले तक, ग्लोबल गले से लेके नाभि तक, कैलोरी और जमीन की एनर्जी नाभि से लेके नीचे तक। उसी के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की, प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र, ब्राह्मणीय एनर्जी कॉस्टिक सर से लेके गले तक, वैश्विक गले से लेके नाभि तक जो भी एनर्जी सिस्टम होता है, और भौगोलिक नाभि से लेके जमीन तक जमीन की ऊर्जा है। ये शरीर की बात होती है क्योंकि शरीर को एक्सक्लूड करके भक्तामृत सूत्र पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमें हमारा शरीर ही मालूम नहीं कि क्या है, कि शरीर के अंदर की मैं आपको संभावनाएं दिखा रहा हूँ। ये बेसिक कंसेप्ट है शरीर का, 7 चक्र ही सबको मालूम होता। इस प्रोसेस को मैं आगे लेके जाता हूँ। और इसी तरह से हमने भक्तामृत तंत्र के ये 48 तंत्र का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आपको इस किताब में 48 मंत्र, 48 यंत्र और 48 तंत्र की पूरी परियोजना समझ में आएगी। और इस प्रोसेस को हम किस तरह से अंदर ले सकते हैं वो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ दिखाऊंगा, अभी हमें लेके आया और हम एक इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये मैं चाहूंगा आप आग बंद करके ये साउंड को इस नहीं सॉरी आग बंद करके नहीं आपको ये देखना पड़ेगा, ये इसको देख के उस साउंड को एसिमिलेट करने की कोशिश करिए। और इसमें एक मूविंग होगा, एक प्रोसेस शुरू होगा। सब्जेक्ट के ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसमें हम जैनिज्म को, क्योंकि
क्योंकि ये बातों का चार्ज और हमारे लिए एक गर्व की बात है कि ये कैरी तरफ से उत्पाद हुआ है, इसका एडमिशन हुआ है। बट ये कोई भी रिलीजन का, कोई भी कल्चर का और कोई भी देश का इंसान इसको इसका पावर ले सकता है। इसलिए हमने क्या किया, हर भक्तामर स्त्रोत्र का बीज मंत्र, मंत्र और बीज यंत्र, ये जो बीच में लिखा है आप इसको जानते हो कि अर्हम है, अर्हम का जो पावर है वो सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है और उस सूत्र की जो फ्रीक्वेंसी है स्वर्गीयों, ये रशिया के एक साइंटिस्ट ने फ्रीक्वेंसी निकाली थी मिली, उसके साथ हमने रिसर्च करा कि भक्तांबर को जब पढ़ते हैं तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, स्वर्गीय फ्रीक्वेंसी दोनों को मैच किया और ये यूनिवर्सल बना दिया। बताइए अब आप इसको देखेंगे तो ये अर्हम की वाइब्रेशन साउंड के थ्रू आ रही है बट इसमें विजुअल भी है। अब ये छह बीज मंत्रों में छह वाइब्रेशन थी। अब आप सब में ये एक्सरसाइज के रहते हैं, अगर टाइम चल रहा हो तो मैं आपको ये पूरा सुना के मैं सबसे ये पूछता हूँ कि आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं। इस सब में आपने देखा ऊपर उसका प्रभुत्व लिखा था, लक्ष्मी ऐश्वर्य काम इच्छा शांति आध्यात्मिक सभी प्रॉब्लम का निवारण। तो हमारे यहाँ पे हम जब बैठे हैं इन सब में से एक या दो आपको अच्छे लगे होंगे, बाकी आपके दिमाग से हट गए होंगे और वो ही आपके एलिमेंट जो मिसिंग है। तो जो लास्ट वाला है वो सबको सबसे ज्यादा पसंद आता है, वापस सुनाता हूं, सबसे ज्यादा पसंद क्यों आता है उस पर लिखा है ऊपर, ये सब कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी, लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे भी कनेक्ट होते हैं। ओम परम पंचेश चेतना कॉन्शियसनेस, तो कुछ यहाँ एक या दो लोग ऐसे होंगे जिनको ये सबसे अच्छा लगा होगा क्योंकि वो उस लेवल पे है, उनका वो लेवल चेंज हो गया है। बहुत लोग इससे कनेक्ट होते जितने भी हमारे यंग लोग हैं इधर मैरिड अनमैरिड,
तो ये चेतना ये भाव है आपके, और ये भाव बहुत जरूरी है। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इसको बैलेंस करना जरूरी है, तभी हमारे चक्रास बैलेंस होंगे। किसी एक को दबा दिया, दूसरे को बढ़ा दिया, तो दिन भर काम करेंगे ऑफिस में और घर पे आके काम की इच्छा करेंगे, होगा नहीं, वो अलग काम और ये वाला काम अलग है। तो माया शक्ति, इससे बड़े लोग कनेक्ट होते हैं रिंग से। ये अंदर से लगता है कि मुझे पावरफुल होना है, मेरे को रूल करना है, मेरा बिजनेस स्ट्रांग होगा, मुझे बहुत पैसा चाहिए, माया के थ्रू बिना काम करे। लेकिन शक्ति आनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, हर सूत्र का डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो हर सूत्र का हमने इसका डिस्क्रिप्शन आपने उसमें बीज मंत्र में देखा होगा, ये हमारी किताब में है, आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आपने ये देखा, इसमें विजुअल मूवमेंट, इसमें साउंड भी है, दैट इज यंत्र, शेप भी है, दैट इज मंत्र, और मूवमेंट हो रहा है, दैट इज यंत्र। ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं। और इसी तरह से भक्तापन सूत्र को हमें समझना चाहिए मंत्र यंत्र तंत्र के हिसाब से। और ये इसका दिशात्मक विश्लेषण है। आपने देखा हर बीज मंत्र का अलग अलग था, तो ये 360 डिग्री को 48 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 डिग्री। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर भक्तापन सूत्र का एक कलर होता है, उस कलर की एक दिशा होती है, उस दिशा में बैठ के ही वो सूत्र पढ़ना चाहिए, उस दिशा की तरफ फेस करके। वो भी एक प्रोसेस है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ये साइंस को हमने अंडरस्टैंड किया कि शरीर में इसका असर होता कैसे है, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। लेफ्ट ब्रेन का अलग असर है लॉजिकल, राइट ब्रेन का क्रिएटिव। भक्तापन सूत्र को भी हमने 48 48 24 24 लॉजिकल ब्रेन के लिए है, 24 सूत्र क्रिएटिव ब्रेन के लिए है। तो क्या हम वो सूत्र हमारे बच्चों को पढ़ाएं जो उनको जरूरत है, कि 48 के 48 पढ़ा दें? भगवान डॉक्टर आपको बोलता है एक दवाई आज नहीं, एक दवाई 15 दिन की दवाई देता, हम 15 के 15 एक दिन में नहीं खा सकते, हर दिन उसका एक प्रोसेस है। वैसे 48 भक्तापन सूत्र क्या हमें एक साथ पढ़ने चाहिए, या हमारे शरीर को जिसकी जरूरत है वही है? क्योंकि ओवरडोज इज ऑल्सो नॉट गुड। कुछ हमारे पास काम और शक्ति ऑलरेडी बहुत है और वो सूत्र आप पढ़ रहे हो तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगी, दूसरी दब जाएगी, इम्बेलेंस। इसलिए हर सूत्र का एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग है। सुबह का स्त्रोत्र अलग है, शाम का अलग है, आफ्टरनून का अलग है, राइट ब्रेन के लिए अलग है, लेफ्ट ब्रेन के लिए अलग है, हमारी एलिमेंट्स के लिए अलग है, हमारे भाव के लिए अलग है। तो ये इसमें बहुत डिसेक्शन है, ये मैंने किताब में लिखा है। और हर एलिमेंट का भी सूत्र है। फायर एलिमेंट पढ़ाना है किसी के घर में, किसी के घर में डिप्रेशन है और शांति है, लोग काम नहीं करते हैं, 11 बजे उठते हैं और शाम को जल्दी घर आ जाते हैं, काम ही नहीं है, एनर्जी बढ़ानी है। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट का सूत्र कौन सा है? वो सूत्र पढ़िए घर में, घर का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। घर में बहुत कलर है, झगड़ा है, बहुत फायर है, शांत करना है। वाटर एलिमेंट, विंड एलिमेंट का सूत्र पढ़िए, उससे वो पर्टिकुलर एलिमेंट अपग्रेड हो जाएगा। क्योंकि वास्तुशास्त्र है, आपका जो एनवायरमेंट है वो भी भक्तापन सूत्र को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें भी एनर्जी है। जैसे हमारा शरीर में प्राण है, घरों में भी प्राण होते हैं। एवरी हाउस इज लिविंग, देयर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द हाउस, जिसको हम वास्तु पुरुष बोलते हैं। तो ये भक्तापन सूत्र फाइव एलिमेंट्स में भी अपग्रेडेशन में काम आ सकते हैं। इसका प्रकटीकरण क्या है, इसको मैंने ये रिसर्च करने के बाद सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरा प्रोसेस ये है कि इसको हमें फिजिकल फॉर्म में लेके आए, और वही फिजिकल फॉर्म में दिखाऊंगा आपको कि मैं यहाँ से बंध गया। यही हमारे कार्ड है, ये 48 हमने कार्ड बनाए हैं। मैंने ये वहां पर महाराष्ट्र के सामने भी दिखाए थे, बट आप डिटेल में आपको दिखा सकता हूँ, आज टाइम है हमारे पास थोड़ा। ये हर कार्ड में अलग ज्योमेट्री है, अलग वाइब्रेशन है और अलग कलर है। इस कार्ड के पीछे नमो का तंत्र है, ऋषभ देव का एनर्जेटिक सिंबल है और इन्फिनिटी की वाइब्रेशन है। तो इसमें मंत्र और यंत्र दोनों एम्बेडेड है, साउंड वाइब्रेशन ऑलरेडी डली हुई है। तो हर कार्ड का
अलग मैग्नेटिक फील्ड है और हर कार्ड के साथ अलग एनर्जी डली गई है। साउंड की मतलब भत्ता का सूत्र अगर आपको पढ़ना नहीं या सुनना नहीं भी है तो ये कार्ड में जो वाइब्रेशन है, ओके ना, इस कार्ड को अगर मंत्र और यंत्र की हम बात करें, इसमें तंत्र कब आएगा? तंत्र जब आएगा तो शरीर के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से उल्टे हाथ से ठीक करते हैं, नीचे से एनर्जी जाती है, ऊपर से इसको ऐसे रखते हैं और उस दिशा में बैठ के ध्यान रखते हैं। अब क्या होगा, अभी क्या होगा, यंत्र और मंत्र को शरीर का तंत्र मिल गया है, ये डायनामिक सिस्टम हो गया। अब इनका मूवमेंट ही नहीं, जैसे आपने देखा हर चीज मूव हो रही थी, अब बत्ता हुआ सूत्र हमारे शरीर में मूव कर रहा है, इसका वाइब्रेशन अब हमारे शरीर को रेजोनेट कर रहा है, हमें मिल रहा है। हमें बत्ता हुआ सूत्र अच्छा लगता है क्योंकि हमारे भाव अच्छे हैं। अगर हमारे भाव नहीं है, हम इस सूत्र को जानते नहीं है और फिर भी इस वाइब्रेशन को असिमुलेट करें, ध्यान करके, ध्यान करना हर इंसान को आता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। मे बी आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बत्ता हुआ सूत्र सबके साथ जुड़ जाता है क्योंकि ये एनर्जी अंदर जाता है। तो ये कार्ड का प्रोसेसिंग है। इस कार्ड के साथ हमने सूत्रों की रीडेफिनेशन भी की है। हर सूत्र का मतलब ऊपर दिखाया गया है किताब में कि नेगेटिव क्या है और वो होगा क्या, उस सूत्र से हमें फायदा क्या होगा। मतलब लेफ्ट में नेगेटिव है डार्क वाला और उस सूत्र का नंबर आप नीचे देखेंगे, उसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है कौन सी दिशा में बैठ के आपको वो पढ़ना है। हर इसका दिशा अलग है, ये ईस्ट में है, ये वाला साउथ फेसिंग बैठना है, ये आपको नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बैठ के पढ़ना है 6 नंबर। तो इस तरह से ये हर सूत्र की डेफिनेशन हमने रीडिफाइन की है और उसमें कोशिश करी है कि ये आप तक पहुँचे एक साइंस की तरह और आप उसको बिना डिफिकल्टी, इसमें टेक्निकलिटीज में मत जाइए, इसमें सूत्र की प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, ये सब वाइब्रेशन उस कार्ड में ऑलरेडी एम्बेडेड है। और उसके बाद इन सब सूत्रों को हमने सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी के साथ सेट करके आपको वो सूत्र की हम लोग साउंड वाइब्रेशन की व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो जैसे आपका कोई कार्ड निकला, जैसे आपको 36 कार्ड की जरूरत है, सबकी जरूरत नहीं, आपको 36 की ही जरूरत है, तो 36 कार्ड आपको हाथ में रखना है, 36 नंबर का कार्ड। उस दिशा में ये है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट दिशा में आपको बैठ के आँख बंद करना है, 1 मिनट या 2 मिनट वो वाइब्रेशन सुनना है। इसमें भक्तांबर का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ये साइंस आपके पास पहुंच रहा है विदाउट गोइंग इनटू द, क्योंकि जैसे महाराज साहब ने बताया, हर शब्द, या मैं भी बता रहा हूँ, हर शब्द को अगर आप राइटली प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। हम भक्तांबर को तो राइटली प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते। आप कैसे पढ़ते हैं घर में, आपको मालूम हो शब्द का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? हर अक्षर का 80 तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है। वो शब्द एक ही है, हम अलग अलग तरीके से उसको गा सकते हैं, अलग राग, कौन से राग से गाना चाहिए, क्या टाइप में गाना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है। हमारे महाराज साहब और हमारे गुरुदेव कर सकते हैं। नॉर्मल पर्पस के लिए ये कार्ड हमने सिस्टम बनाया है कि आप तक ये पहुंच पाए और वही इफेक्ट, वही एनर्जी, ऊर्जा आपके मिल पाए, यही हमारा एक प्रोसेस है। और इसका उपयोग के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकर एंटीना, वो यूज करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हम एनर्जी मेजर कर लेते हैं कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस ये है कि वो कार्ड कैसे ज्ञात होगा, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा आपको कौन सा कार्ड चाहिए। मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, मैं महाराज साहब तो नहीं हूँ, मुझे आपके अंदर, शरीर के अंदर की एनर्जी तो दिख नहीं रही है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग 26,000 फ्रीक्वेंसी सेट करके मेजर कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ 48 फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। हर फ्रीक्वेंसी, हर भक्तांबर सूत्र की एक फ्रीक्वेंसी है। इसको मैंने इसमें सेट किया, इसका एक कॉर्ड होता है, कॉर्ड आपको दिया, वो कॉर्ड आपके हाथ में पकड़ाता हूँ, हम इसमें इंसर्ट करते हैं।
ये जर्मन प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं एस3 गोल्ड एंटीना। ये जर्मनी के विद्वानों ने एनर्जी सिस्टम के लिए बनाया था। और इसको इसमें कनेक्ट करके ये आपके हाथ में पकड़ाया जाता है। जैसे आप इसको हाथ में पकड़ते हैं, आपके चक्रास के थ्रू मैं फ्रीक्वेंसी भक्त नंबर की डाल के पता कर लेता हूँ कि ये कॉस्मिक है, ग्लोबल है, टेलीवी है। मुझे 48 के 48 नहीं करना है, 16 16 16। और ये 16 16 के लिए हमने टेट्रासाइट बनाए। तो 48 मेजर नहीं करूँगा मैं आपकी, आपकी मैं मेजर करूँगा 3 योजनाएं। तो किसकी मेजर करें आप, आ जाइए तो अभी इनके हाथ में मैंने ये पकड़ाया, आप बैठे भाई भाई। अब इनकी मैं एनर्जी मेजर करता हूँ, रेडिएशन डिस्टर्ब करेगा उस तरफ अभी बड़ा वायर है, ग्रीन वायर। तो इनके शरीर के थ्रू थ्रू क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो वाइब्रेशन हो रही है। आपके पास आप बैठे हैं, हम सब की ऑरा होती है, नॉर्मल इंसान की ऑरा होती है 1 मीटर की। हमारे महाराज साहब की अगर ऑरा देखें, हमने उनके मेजर की थी, मेरे पास फोन में है, हमारे पास एक ऑरा कैमरा है। तो महाराज साहब की ऑरा कुछ किलोमीटर तक होती है। आप सोचिए हमारी ऑरा 1 मीटर के बाद खत्म हो जाती है। इसलिए अंधेरे में जब अगर आप चलते हैं तो आपको लगता है कोई गया, कोई पास में जा रहा है, आपको ऐसा लगता है, लगता नहीं है वो ऑरा। आपकी ऑरा से वो बिल्ली या वो कोई जानवर जा रहा है, उसकी ऑरा टकरा जाती है, फिजिकल बॉडी उसको टकराती है। ये एनर्जेटिक सिस्टम है और इससे हम लोग इनकी 3 एनर्जी मेजर करते हैं। कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी है 1.5, तो इसको 1.5 पर सेट करूंगा। इसमें हमने फॉर्म भी रखा है, इसमें है सब। इस तरह से हम बॉडी शरीर की एनर्जी मेजर कर रहे हैं कि आपको आपको दिखेगा बड़े से बोल के। इसमें फॉर्म में हम एनर्जी आपकी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस हिसाब से आपका सूत्र निकल सकता है ट्री ऑफ लाइफ के बाद। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, 1.5 कॉस्मिक इफेक्टिव यूनिपोलर। ठीक है, प्लस 2.4 सर से लेके गलत है कि इनकी वाइब्रेशन प्लस 2.4 है। प्लस 3 इज द हाईएस्ट, माइनस 3 इज द वीकेस्ट। पहले से लेके नाभि का ये वाइब्रेट करता है 4.5। अभी यहां से लेके यहां की ऊर्जा मेजर कर रहा हूं मैं। तीसरी मेजर करता हूँ मैं नाभि से लेके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये 3.6 पे आती है।
सुनते होंगे, ये 16 मेरे को दिख रहे हैं, ग्लोबल के नंबर है 4, 12, 17। अब मैं क्या करूंगा, ट्री ऑफ लाइफ के थ्रू इनका कैरेक्टरिस्टिक निकालूंगा और उस पर भी कम पे आ जाऊंगा कि इन 16 में से कौन सा इनको सूत्र की जरूरत है, और उस सूत्र से इनका मुझे कैरेक्टरिस्टिक मालूम पड़ जाएगा कि वो सूत्र की जरूरत कब होगी शरीर को। जरूरत हमें किसी चीज की कब होती है, जो हमारे पास वो कम होता है, जो हमारे यहाँ डेफिशिएंट होता है, वो डेफिशिएंसी है शरीर में, वो चक्रा इम्बैलेंस है। और वो सूत्र जैसे ही आपके पास पहुंचेगा, आप उस पर ध्यान करेंगे, उस पर टाइमलाइन निकालूंगा। इस पर देखिए हमने टाइम का भी डिलीवरी दिया हुआ है, इस पर देखिए टाइम भी है, क्या करना है, कितने टाइम पे, ड्यूरेशन, पीरियड, टाइम, कौन सा सूत्र, साउंड के साथ सुनना है कि फिर ज्योमेट्री के साथ सुनना है, वो सब डिस्क्रिप्शन हो जाता है और वो कार्ड आपके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो कार्ड आपके पास पहुंचता है, आपका जैसे 10 दिन निकला, 10 दिन 1 मिनट सुबह साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके उसको आप ध्यान करिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, अदरवाइज हमने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, ऑन कर लीजिए। 1 मिनट 2 मिनट ध्यान करना है कार्ड पकड़ के उस दिशा में फेस करके, आपको लगेगा 10 दिन बाद वो जो डेफिशिएंसी है चक्रा की वो आपकी ठीक हो जाएगी। और ये हमने कितने लोगों के साथ, 200, 400, 500 लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, संदीप ने भी किया हुआ है और हमारे बहुत सारे लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। संदीप तो चूंकि जैन है इनको मालूम है बसना पर सूत्र, बट बाकी लोग इनको सूत्र के बारे में नॉलेज नहीं, वो भी प्रैक्टिस करके तरह तरह के सिचुएशन निकाल रहे हैं। महाराज साहब ने एक एग्जाम्पल बताया, तो महाराज साहब ने हमारे पास किसी को भेजा था शायद आपके घर पर आए जयपुर में, वो कैंसर पेशेंट समाचार ने बोला तो वो इनकी चेक करो इनको प्रॉब्लम है। कैंसर पेशेंट का मैंने एनालिसिस किया, अभी आपने देखी थी कि कहीं भी सूत्र में कैंसर के बारे में बात नहीं की है, लेकिन हमारे हीलर उसको कैंसर की फ्रीक्वेंसी सूत्र बता देते हैं। आप किताब में पढ़ेंगे कैंसर शब्द ही नहीं है, तो बता हुआ सूत्र लोग बोलते हैं 45 नंबर वाटर बेस्ड है एलिमेंट, 45 तो पढ़ते हैं ना, कोई भी बीमारी में 45 पढ़ लो, आपने पूरी नहीं समझा उसका कि क्या है। वो कैंसर पेशेंट मेरे पास आए, उनका नंबर निकला 46 या 43 मुझे याद नहीं, उसमें था इम्प्रिजनमेंट, उसका पर्पज था कि वो कैद है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि नई नई शादी हुई थी, किसी टिपिकल मारवाड़ी घर में थे, बुआ थी, सास थी, हस्बैंड बहुत कमजोर था, वो बेचारी बहू को ऐसा लग रहा था कि मैं कैद हो गई, घर में कुछ बोल ही नहीं सकती, और वो उस घर में रहती थी, रह रहे कि वो इतनी अंदर से घुट गई कि उसको कैंसर हो गया। तो कोर क्या है, कैंसर नहीं है, कोर इम्प्रिजनमेंट, उसका इम्प्रिजनमेंट छोड़ना है। फिर मैंने उनकी बहू को और उनकी बुआ और उनकी सास को अलग किया, हस्बैंड के साथ बैठा 10 मिनट, उनको समझाया कि तुम्हारी वाइफ का प्रॉब्लम कैंसर नहीं है, तुम्हारी वाइफ का प्रॉब्लम है तुम बोलते नहीं हो, उसकी थोड़ी रक्षा करो, उसकी पॉइंट को समझो और सास और बुआ जी से बताओ, नहीं तो वो कैद हो जाएगी। और प्रॉब्लम डॉक्टर के पास था ही नहीं, उसने कीमोथेरेपी करा ली, सब करा लिया, वो कार्ड दिया, उनको कार्ड दिया हमने, उस कार्ड के बाद उनको बहुत बड़ा अच्छा लगा, हस्बैंड को भी समझ में आ गया और तो इस तरह से हम लोग कोर पे जाए, हम लोग सतह से नहीं काम करें, क्योंकि हम हीलिंग का काम कर रहे हैं, हम लोग एक दवाई का काम कर रहे हैं जो एनर्जेटिक बेस्ड है, उसमें आपकी प्योरिटी होना जरूरी है, आपको अपने आप को स्ट्रांग होना जरूरी है। और उसी सिस्टम से ये सूत्र और ये पत्तांबर का प्रचार कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, अगर अधिक जानकारी लिए आप ले सकते हैं, जैसे संदीप है यहाँ पे, और मैं भी हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, जब भी आपको जरूरत हो मुझे याद करिए। धन्यवाद। साधन रिपोर्ट जैसे ने कुछ बोलने का भी भावने हैं। इस मंदिर से मैं पिछले 30 साल से कनेक्टेड हूँ, मतलब 30 साल के सदस्य, और जब मैं भैया सर ने हमें बोला कि यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मंदिर जयपुर के प्रमुख मंदिरों में, इसकी प्रमुखतम मंदिरों में गिनती है, और यहाँ का जो एनर्जी लेवल है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो यहाँ पे आने वालों को तो महसूस होता ही होता है, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है उससे सबको कितना बेनिफिट होता है वो हम साइंटिफिक वे से भी जान सकते हैं। ये जो चीज़ें अभी सर ने बताई, क्योंकि मैं इस चीज़ में पिछले 10 साल से सर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो मैं उसको ग्रेस कर पाया, लेकिन काफ़ी चीज़ें
लोगों के ऊपर से निकल गई। क्या गलत बोल रहा हूँ कि आपको किस तरह से बेनिफिट कर रही है? अपन यहाँ बैठे हैं और अपन इतनी ये जो सालों की रिसर्च को एक घंटे के अंदर आपको डालना वो इतना ईजी नहीं है। मेरे ख्याल में सब इस बात से सहमत है। कुछ कुछ किसी को 1%, किसी को 2%, ज्यादातर को तो स्ट्रीम समझ में आया होगा कि ये मेरे मतलब का है, किसी को ये समझ में आया होगा ये मेरे मतलब का है, लेकिन एक्चुअली ये पर्पस क्या है और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इस चीज के लिए हमें बहुत जबरदस्त आशीर्वाद और सहयोग मिला मुनि पुंगल सुधा सागर जी महाराज का, आचार्य महाराज श्री ब्रह्मण सागर जी महाराज का, और उन लोगों ने इस रिसर्च को प्रॉपर लाइन लेंथ दी है और उन लोगों ने सबने कहा कि इस रिसर्च में अनंत अनंत संभावनाएं हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने अभी सच में काफी चीजें नहीं बता पाए हैं, इसका जो प्रयोग हुआ है और इस रिसर्च के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अगर देखा जाए तो चमत्कार की श्रेणी में आ जाते हैं, माइंड ब्लोइंग। और दिगंबर जैन तो उसमें मुश्किल से 10% बेनिफिट ली, क्योंकि जैनियों को ज्यादा मालूम नहीं है और अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है कि नवोकार मंत्र दुनिया सीखती है, अपने को क्या मतलब रखा पर, और उस मंत्र से नॉन जैनियों के पास इतने इतने उनके पॉजिटिव रिजल्ट हैं जो सर की वेबसाइट पे हैं। और अपन ये चाहते हैं कि उस चीज का बेनिफिट अपने सारे समाज को मिले, जिस चीज के लिए लाखों रुपए अपन दे रहे हैं। एक एग्जांपल बताया सर ने कि वो एक चीज से कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, ये तो एक प्रकाष्ठा है। छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल, ये पांचों प्रॉब्लम्स का हल अपने पास कार्ड्स के थ्रू है। और ये मैं इसके दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, और मंदिरों की ऊर्जा को अपन कैसे सही कर सके उस चीज के लिए मैं सर के पास जुड़ा। और मैंने ये पाया कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम मंदिरों की ऊर्जा में भी नेगेटिविटी हटाए जा रहे हैं, और जब मंदिरों की ऊर्जा की नेगेटिविटी हटा सकते हैं तो ये तो एक भौतिक शरीर है, उसकी ऊर्जा का नेगेटिविटी बहुत जल्दी हट सकती है। तो मेन चीज क्या है कि आपकी नेगेटिविटी कहाँ है वो पकड़ में आ जाती है। इससे मतलब मैंने कई डॉक्टर्स जिनके साथ हमने ये रिसर्च करी मकराना में बैठ के, कई डॉक्टर्स हमारे फ्रेंड, तो वो बोले अगर ये सारी चीजें ऐसी होगी तो हमारी क्या जरूरत है। मतलब वो डॉक्टर्स कुछ अभी यहाँ पे 40s में है, कुछ उसमें है, वो मेरे फ्रेंड है, फैमिली है, वो बोले कि यार ये चीजें ऐसी, मतलब हमने डायग्नोज नहीं किया, ये डायग्नोसिस अभी जैसे तो इतने सारे टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये नडूल है, नाड़ी से नडूल एनर्जी है, तो उससे पूरी एनर्जी की बाइपसी हो जाती है और उसमें ये समझ आता है कि आपकी कमी कहाँ पे है। मतलब इतनी सारी चीजों में 48 अपने फैक्टर है, उसमें से एक पॉइंट निकल जाए उसका अफेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ना है, उसको कोई नहीं हो सकता। तभी आचार्य जी ने, महाराज जी ने, मतलब वो उनके पास अपन जाते हैं तो टाइम क्या होता है कि अपन लोग जाते हैं आप लोग महाराज जी के पास, रमन साहब के पास जाते ही जाते हैं तो वहाँ टाइम मिलता है क्या? लेकिन सर को सारा लोगों को हटा के 2-2 घंटे का टाइम दिया इनसे चीज सब्जी और उसको बताया। पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो वसंत से लेकर छंद की बात है, उसमें 4-4 शब्दों को डैश डैश यूट्यूब मैंने दिखाया था, अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसी पे थोड़ा सा अभी हम प्रमाण सागर जी महाराज साहब से भी इस पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा मेरा डिस्क्रिप्टिव ये है कि ये बात आपने जो छंदों की बात की है, ये भी देखिए ये छंद है, इसमें जो शब्दों में डिस्क्रिप्शन है हर वर्ड का जो मीनिंग है जो आपने कहा वो परफेक्ट है। प्रमाणा लिखा अलग है, बोला जाता अलग है, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है, प्रकृति ऐसी भाषा है जिसमें जितना लिखा जाता है उतना ही पढ़ा जाता है, इसीलिए ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर कंप्यूटर की लैंग्वेज है संस्कृत, बाइनरी।
एक ही लैंग्वेज वर्ल्ड में जो लिखी जाती है और पढ़ी जाती सेम है। अब हमारा नॉलेज संस्कृत का और प्राकृतिक का बहुत लिमिटेड है, मान तुंगाचार्य 1000 साल पहले, ऋषभ देव मिलियन ईयर में उनकी श्रुति उनका शब्द अनुसार कोई भी किताब आपके पास 1000 साल पुरानी नहीं है। संदीप ने मुझे 200 साल पुरानी एक किताब लिखी बक्तावर चौधरी, उस पर हमने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हैं और न ही हम कभी कर पाएंगे, क्योंकि 1000 साल पहले उसका जो इंटरप्रिटेशन था वो एक भी मुनिश्री को आज नहीं मालूम है। आचार्य श्री आप ले लें, कोई भी समाज के ले लें, मतलब हमारे जितने अलग अलग पंथ हैं उनके भी ले लें, सबका इंटरप्रिटेशन है। हम लोग सब अपने अंदर से और सब सही है, गलत कोई नहीं है, इसीलिए हम इसके साउंड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं और फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेटरी फील्ड है उसी पे हम बात करते हैं। हम शब्दों की बात नहीं कर रहे, हम छंदों की बात नहीं कर रहे, उसका जो पावर है वो अक्षरों का जो डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हम डायलॉग कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन हमें ये समझना है कि साइंस को साइंटिफिकली कैसे हम समझने की कोशिश करें। प्रोनाउंसिएशन इज नॉट अ साइंस, वाइब्रेशन फीलिंग इज अ साइंस। इसका जो अफेक्ट होता है वो परफेक्ट है, अगर आप परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें तो असर आएगा, लेकिन हम उस सब्जेक्ट पर जाए क्यों, क्योंकि हमारे पास उसका सोल्यूशन है। हम वही वाइब्रेशन हमारे मोबाइल के अल्टीमेटली वो प्रोनाउंसिएशन एक ध्वनि एनर्जी है और ध्वनि शब्दों से पहुंचे या वाइब्रेशन से पहुंचे बात हुई थी, तो आपको उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो बहुत अच्छी बात है, आप संस्कृत के विद्वान हैं, आप जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको हमने बहुत सिंप्लीफाइड सिस्टम में डाल के रखा है, तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफिकेशन में लाएं तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज जर्नलिज्म इतना कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, मैंने 4 साल उसकी पढ़ाई करी है अभी साइंटिफिकली और मुझे लगता है कि मैंने 0.1% ही उस पर पढ़ाया है। इतना एक लाइफ भी कम है, 100 साल भी कम है, इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ को समाप्त करने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और इस आयोजन के माध्यम से मैं ये मेरी जो पुस्तक है वो एक मंदिर जी को भेंट करना चाहता हूँ, एक वंशी जी को देना चाहता हूँ और एक आपके नरेश जी के लिए मैं स्पेशली देना चाहता हूँ। आप बनाएंगे फिर आपसे मुलाकात हो जल्दी और आप आए, ताकि क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा प्रेजेंटेशन हो नहीं पाया और हमारा समय भी काफ़ी हो गया, 10 बजे तक का टाइम लिया होगा। आप हमारे मंदिर में प्रधान हैं उसके लिए तो हम सब आभारी हैं, पर हमारे मंदिर की एक परंपरा लेके जो यहाँ आते हैं वो मंदिर को साथ लेके जाते हैं और मैं हमारे अध्यक्ष से निवेदन करूँगा कि हमारे मंदिर की जो बेटी है उसके प्रतिलिपि आपको वेट करें, ताकि अब जब भी ये देखें तो हमारे मंदिर जी को याद करें। इसी क्रम में 2 मिनट चाहूंगा मैं आप बीच अपने राजीव 2 मिनट बस। मैं हमारे समाज के बुजुर्ग श्री पूजे जी से निवेदन करूंगा, वे मयंक जी का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे, सभी लोगों को देख के
वास्तव में अभी उतना पैदा हो रही है मुझे कि हमारी समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के जीवन में भी अपने धर्म को सुरक्षित रखने का भाव कहीं से भी कम नहीं हुआ है। जितने भी लोगों से मैंने व्यक्तिगत संपर्क किया उन सभी की उपस्थिति को यहाँ देखकर त्यौहार के दिन भी यहाँ पर देखे मैं सभी का हार्दिक मन से धन्यवाद करता हूँ। हम इस दर्ज को महेश जी के साथ में समय रहते हुए टाइम टाइम पर जरूर से आगे बढ़ाएंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी लहर को कंप्लीट करें और मैं अपनी पूरी प्रेरणा अपने सुपुत्र प्रणव जैन से ले पाया जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि अपने मंदिर में जो चीज लहर हो रही है उसको कहीं ना मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इमोशनल हो गया सॉरी बीच में आपको कहना भूल गया बट थैंक्स अ लॉट। आपने अपने इतने अमूल्य समय में से और आपकी सिस्टर से मित्र बनी जिस कारण से मैं आपको देख पाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने मंदिर जी में महेंद्र जी से 10 पुस्तकों का आग्रह करके मंदिर जी में उपलब्ध करा दिए हैं। जब भी किसी को ऐसी रिक्वायरमेंट होगी एक तो उसमें ऐसे पूर्ति कर देंगे, दूसरा जो उनका कार्ड्स का एक सेट है वो भी हम यहाँ पे लेके रख लेंगे। परंतु इस सबके लिए हमको जैसा कल आपको बैठ के बात हुई थी हम में से किसी एक को हमको यहाँ पे ट्रेन करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि वो किस तरह से इन चीज़ों को समझ के रिक्वायरमेंट को समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। मेरा बेटा दोनों बच्चे इस कार्य के अंदर उनसे गाइडलाइन लेके इसके लिए ट्रेन हो जाएंगे तो टाइम टू कम हम इसको राइट तरीके से यूज़ कर पाएंगे और जितना उनका गाइडेंस होगा वो उसको धन्यवाद करना चाहूँगा। नहीं कल मुझे प्रणय ने ये बात कही भी कि ये पूरा बॉक्स और ये सिस्टम सीखना चाहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस जनरेशन में भी लोग इस प्रस्तावन सूत्र पे रिसर्च को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा प्रणय और आप ये सीखिए और आगे बढ़िए। मयंक सर मैं आपके लिए जितना शब्द बोलूं वो कम है। मेरी 4 साल पहले 5 साल पहले दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी और मयंक सर ने एक बार घर आए थे मकराना, उन्होंने 2 कार्ड दिए थे, 2 कार्ड मैंने यूज़ किए अकॉर्डिंग टू हिज फॉलोइंग जो इन्होंने बताया था उस हिसाब से और आज मेरी दोनों किडनी आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो जो मयंक सर का जो थेरेपी है फिलोसफी है भक्तांबर से रिलेटेड जो एक डॉक्टरी परिभाषा है वो इतनी फैंटास्टिक है अपने आप में कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू से आई डोंट हैव द मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद मयंक सर को कि मे गॉड ब्लेस यू। हिंदुस्तान में आप आकाशीय ऊंचाइयों को छुए और इस मक्तामर को आप ले राय कहें। आप अपना संदेश लोगों को दें। मैं एक थोड़ी सी वो देना चाहूँगी अपना मैसेज कि मयंक सर ने जो नई थेरेपी इजाद की है बिना किसी दवाई के बिना किसी अपन जैन धर्म से रिलेटेड इसको अगर अप्लाई करें जो कार्ड थेरेपी है वो अप्लाई करें तो एक बहुत अच्छी यूज हो सकती है। तो मेरा समस्त उनसे प्रार्थना है कि आप इसको एक बार अप्लाई कीजिए एंड यू विल बी 100% सक्सेसफुल। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।